गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखो हम रेडी सेडी हो गए हैं और आज मैंने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है। ये देखो, सो हम तीनों रेडी हो गए। आज हम लोग जा रहे हैं दीदी के ससुराल और आज है दीदी जो मेरी ननद है ना उनकी जेठानी के लड़के का बर्थडे है। सो जो रोजांश के बर्थडे में आई हुई थी जो दीदी, उनके बेटे का बर्थडे है शौर्य का। आज हम सौर भैया के हैप्पी बर्थडे पे जा रहे हैं, तो हम गिफ्ट लेके डाले, अभी घर पे रेडी हो ले, फिर जाएंगे मार्केट, फिर जाएंगे हम सौर भैया के घर, फिर हैप्पी बर्थडे बना के आएंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं उनकी बर्थडे पार्टी में, मतलब सौर की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। सो हम लोगों को निकलना है और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोगों को 6:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। और अभी हमने सौर को कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह देने के लिए कुछ भी नहीं लिया है। सो रास्ते में देखते हैं लेते जाएंगे। और ये गए हुए थे ऑफिस, सो ये बहुत लेट आए इसलिए हम लोग भी बहुत लेट हो गए हैं। आपने खाना भी तो खाया ना वहाँ से आके? खाना मैंने 10 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट मान लो। अच्छा ठीक है, तो मैंने तैयार होने में लगा दिया। मैं रेडी खड़ा हूँ, मैं भी तैयार हूँ, वीडियो भी खत्म कर दी। सो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करने लगे ना इसलिए बोले लग गए हैं। बाकी रेडी तो मैं पहले से हो गई थी और ये आए, फिर उन्होंने खाना खाया और अभी ये बोल रहा है मेरी 7:30 बजे से मीटिंग भी है, तो हम लोग उससे पहले पहुंच जाएं तो अच्छा है, क्योंकि शाम में फिर ट्रैफिक वगैरह भी हो जाता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी साड़ी इतनी प्यारी लग रही है ना। चलो निकलते हैं, हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं, पहुँचते हैं वहाँ और आज सबसे मिलेंगे वहाँ पे, देखते हैं कौन कौन आता है। शूट करते करते बाजार जाएंगे, आएंगे। गिफ्ट ले ली है, गिफ्ट में मतलब हमने फोटो फ्रेम ले लिया और ये देखिए फोटो फ्रेम को हम लोगों ने पैक करवा लिया है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी भी थी बट ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, फोटो फ्रेम ही समझ आ रहा था। सो बस यही पैक करवा लिए, अब चलते हैं इसको लेके। नहीं नहीं बस। सो हम लोगों ने यहाँ से गिफ्ट ले लिए, पैक करवा लिया एंड अब निकलते हैं। यही रखवा ले, सीट पे रखवा ले, बोलो हो गया। चलो भाई कहीं भी जाओ, आओ ना किसी पार्टी में ना, तो गिफ्ट का सबसे बड़ा झंझट रहता है यार, क्या दो क्या दो क्या दो, समझ ही नहीं आता है कुछ। तो हम लोग पहले तो आर्ट चीज में गए तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे ही लगा, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ किया ग्रीन पार्क आज। आप क्या लाए गिफ्ट में? क्या जानना है आपको? बताना, आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है इसलिए जानना है। को हम अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये है इंडिया गेट एंड निजामुद्दीन जाने के लिए इस साइड, और ये मथुरा फरीदाबाद जाने के लिए। सो ना हमें इस साइड जाना है ना इस साइड जाना है, हमें सीधा स्ट्रेट जाना है नोएडा के लिए। यस क्या, और देखो ट्रैफिक इतना ज़्यादा। हम लोग पहले तो वो ब्रिज पे जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा नीचे से जाएंगे तो थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा, बट नीचे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ऊपर भी ज़्यादा है। बट ये है कि ऊपर वो नहीं रहता है, सिग्नल नहीं रहता है, तो आराम से निकल जाओ। और नीचे अगर मेन रोड अगर काफ़ी दूर तक अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ है। लोकेशन है जहाँ हमें जाना है, बट आगे से हम यू टर्न लेके आएंगे, फिर जाएंगे हम अपनी लोकेशन पे। पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे जहाँ पे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वहीं पर मिलते हैं सबसे, देखते हैं कौन कौन आया है। रॉबिन भी आया होगा, रॉबिन से मिलेंगे। अंदर चलते हैं। ये शौर का बहुत ब्यूटीफुल सा केक। नहीं बेटा केक खराब हो जाएगा। क्या क्या है शौर इसमें? एस्ट्रोनॉट और सन मून अर्थ सैटर्न नेपच्यून स्टार। ओके सारी चीजें इसमें तो है।
अरे गोले भी है। अच्छा ये गोले हैं? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है आपका केक। और शाम भैया तो बलून देखे, बलून का ये हमारा स्टार्टर आ गया है और पति देव तो एंजॉय करने लग गए हैं अपने स्टार्टर को। बाबू देखो कैसे गिफ्ट लेके घूम रहा है, ये मिस्टर को सांबर बड़ा आए हैं। तो अभी यहाँ पे केक कटिंग होगी। लग जाएगी बेटा, चोट लग जाएगी। तो ये है हमारा काम। चलो सो अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए।